हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वाति एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्प्रिंग इंस्पायर्ड पेस्टल कलर आई मेकअप लुक। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ग्रीन टी ग्लो टोनर अपने पूरे फेस को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का स्किन प्लम फेस सीरम। ये आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा, तो मेक श्योर कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कीजिए या फिर अच्छा सीरम अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए बिफोर मेकअप। देन आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का प्राइमर जो ओपन पोर्स है उसे मिनिमाइज करने के लिए। इससे आपका जो बेस है वो अच्छा लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस भी लगता है। एंड देन आई एम यूजिंग फिटमी का फाउंडेशन, मेबलिन फिटमी का, एंड ये एक मैट फाउंडेशन है तो मैं अपने पूरे फेस पे इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एंड सेम मैं अपने फिंगर के हेल्प से इसे ब्लेंड करूंगी क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट फाउंडेशन है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। देन आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का कंसीलर अपने अंडर आइज को जो भी डार्क सर्कल्स है उससे हाइड करने के लिए, एंड ऑल्सो मैं इसे अपने आईलिड पे भी प्लेस कर लूँगी। देन मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर कि आप थोड़ा जो कंसीलर है अपने आईलिड पे ज़्यादा लगाओ ताकि जो कलर्स आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो लाइक पेस्टल कलर्स वो अच्छे से दिखें, इसीलिए आपको हल्का सा कंसीलर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो मैं हल्का हल्का उसे ब्लेंड कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, ये एक मैट इफेक्ट देता है तो मैं अपने आईलिड को अच्छे से सेट कर लूँगी एंड उसी के साथ अपने पूरे फेस को भी अच्छे से सेट कर लूँगी। देन मैं अपने ब्राउज को फील कर लूँगी, उसके लिए मैं एक आई शेडो ले रही हूँ एंड उससे अपने ब्राउज को अच्छे से फील कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग लैक्मे का लिप लव लिप केयर अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। देन आई एम यूजिंग दिस पिंक शेड अपने क्रीज लाइन पे, एंड ये जो पैलेट है वो है SFR का। देन आई एम यूजिंग आई मैजिक प्रो कॉस्मेटिक पैलेट। तो सबसे पहले मैं अपने आईलिड पे ऑरेंज शेड अप्लाई करूंगी लाइक फ्रंट सेंटर में 1/3 आईलिड पे। देन आई एम यूजिंग येल्लो शेड अपने इनर कॉर्नर्स पे एंड उसे हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। देन आई एम यूजिंग दिस पर्पल शेड जिसमें हल्की सी शाइन है, तो उसे मैं अपने जो आउटर वी है वहाँ पर उसे प्लेस करूँगी एंड उसे अपने फिंगर के हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो शिमरी शेड है वो काफ़ी अच्छे से लग जाते हैं अपने फिंगर के हेल्प से, एंड उसे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। एंड ये जो भी डिटेल्स है प्रोडक्ट की वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। देन मैं जो सेम जो ब्लू शेड है उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी, एंड ये जो दो पैलेट है वो है SFR के पैलेट एंड ये काफ़ी अच्छे है, एंड मैं हल्का सा विंग्ड निकाल लूँगी बाहर। एंड मैं अभी जो मैंने आई शेडो अप्लाई किया है उनको उनके जो एजेस है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि हार्श लाइंस ना दिखे। एंड यहाँ पर मेरा आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है एज यू कैन सी। देन आई एम यूजिंग मेबलिन का हाइपोकल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा अपने लैशेस पे, उसे मैं अप्लाई करूँगी। ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छा लेंथ प्रोवाइड करता है। देन आई एम यूजिंग लैकमे का इंस्टा लाइनर अपने लैश बैंड को हाइड करने के लिए, एंड ये जो लैशेस है वो है शीन से। देन आई एम यूजिंग दिस डार्क ब्राउन शेड टू कॉन्टोर माई नोज, एंड ये जो पैलेट है वो है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, एंड उसमें से ही मैं हाईलाइटर शेड अपने जो भी पॉइंट हाईलाइट करना है वहाँ पर मैं एज अ हाईलाइटर इसे यूज़ करूँगी। तो ये जो पैलेट है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पैलेट है, इसमें हाईलाइटर शेड, कॉन्टोर शेड एंड ऑल्सो जो बेसिक शेड होते हैं आई शेडो वो मिल जाएंगे। देन आई एम यूजिंग दिस येल्लो शिमरी शेड अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए। देन आई एम यूजिंग मालियाओ का रेड लिपस्टिक। जो भी डिटेल्स है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो। एंड उसी के साथ मैं यहाँ पर मिक्स करूँगी दिस न्यूड शेड
दोनों को मैं मिक्स करके लगाऊँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हो जिससे एक अच्छा नया शेड क्रिएट होता है। देन मैं सेम टोनर अप्लाई करूँगी अपने मेकअप को सेट करने के लिए, एंड हियर इज़ माई फाइनल फिनिश लुक। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लुक अच्छा लगे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आप ये लुक क्रिएट करते हो तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। बाय।